वो ये है, और यहाँ पे चाय बनती है, ये इनका नाम है चाय लॉन्चर, जो कि मेरे को काफ़ी सही लगा, ये बाहर ही इन्होंने सेटअप कर रखा है। Hey guys, this is Saurabh and welcome back to another vlog। तो अभी का ये सीन है कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं तैयार हो चुका और बस निकलने वाला हूँ मैं। मेरा फ्रेंड का फ़ोन आया था, वो बोला कि जल्दी से जल्दी कॉलेज पहुँच, मैं भी पहुँच रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अभी नीचे जाऊँगा। आज क्या है कि मैं खाना लेके जाऊँगा, क्योंकि कॉलेज में क्या है कि भूख लगती है, तो यार सुबह से भूखा होता हूँ ना, तो कैंटीन में कितना ही खा लूँगा इसीलिए। और फिर मैं अभी खाना पैक करवा के और बस निकलने वाला हूँ। तो मैंने कॉलेज में एंट्री कर दी, बस अभी क्लास की ओर जाऊँगा मैं। पीछे और भी लोग आ रहे हैं और ग्राउंड तो अभी खाली पड़े हैं, ज़्यादातर लोग तो धूप होती है तभी बैठते हैं, क्योंकि ठंड है ना अब। और मैं सोच रहा था कि यार आज जैकेट पहन लूँ, लेकिन मैंने जैकेट घर पे छोड़ दी, क्योंकि ज़्यादा ठंड थी नहीं अभी। तो क्या है कि क्लास, अभी क्लास में गए थे तो फिर उन्होंने बोले कि भाई जाओ आप, एक घंटे बाद आना। ये हमारे क्लास का क्लास रिप्रेजेंटेटिव है। और भाई अपने बारे में बता दे यार कुछ। क्या बताऊं भाई, जो भी तेरे बारे में अच्छी चीजें है। बोलो काट, अरे काट करनी है करी प्यारी बड़ी। तो भाई ये थोड़ा शर्मा रहा है, पहली बार कैमरे के सामने, हर कोई शर्माते हैं। तो मैं अभी घर की ओर निकल रहा हूँ, कॉलेज से मेरी छुट्टी होगी और आज मैं हार्टन भी चला जाऊँगा, क्योंकि आज टाइम है मेरे पास। ओके निकलते हैं जल्दी फिर। तो अभी क्या है कि मैं कॉलेज से घर आ रहा था, तो मैंने एक जगह देखी जहाँ मुझे लगा कि शूट करनी थी, और मैं आपको भी दिखाता हूँ जगह। वो ये है, और यहाँ पे चाय बनती है, ये इनका नाम है चाय लॉन्चर, जो कि मेरे को काफ़ी सही लगा, ये बाहर ही इन्होंने सेटअप कर रखा है। तो इसमें यूँ है कि इसको स्कैन करो तो आपको मेनू मिल जाएगा और आप लोग इसमें चाय मिलेगी। तो भैया अभी चाय बना रहे हैं। भैया चाय के अलावा और स्नैक्स भी है क्या आपके पास? स्नैक्स में क्या भी क्या बन मस्का है? अच्छा यहाँ पे इसमें कितना खर्चा है? इसमें टोटल 50,000 का। इधर चेस भी है, चेस भी खेल सकते हैं आप। वहाँ पे सामने एक और सीट है, और भी सीटें हैं इधर, बट मैं इधर बैठा हूँ अकेला। यहाँ पे चाय है, मैं भैया को पैसे दे के आता हूँ इधर। ओ भाई क्या है, मैंने चाय पी के देखी भाई, बहुत ही बढ़िया थी यार। मतलब हर चीज़ का ना अलग टेस्ट आ रहा था। तो क्या है कि मैंने वहाँ चाय पी तो मेरे को यार बहुत ही टेस्टी लगी वो चाय। मतलब इतनी स्वाद चाय थी, मैं घर पे भी नहीं बनाता इतनी स्वाद, सच बताऊँ तो, क्योंकि वो मसाला चाय थी और हर एक मसाले का ना अलग टेस्ट आ रहा था, जो कि मतलब मैं जब एक सिप ले रहा था ना तो मैंने रुक ही नहीं रहा था, दोबारा दूसरी सिप भी ले ली उसी टाइम। थोड़ा सा मुंह जल गया मेरा, बट हाँ मज़ा बहुत आया। और मैं ये जगह बता देता हूँ कहाँ पर है, ये है GJU के पास, GJU और जो धर्मशाला है वहाँ पे एक उसके बीच में ही है, ठीक है। तो आप वहाँ की चाय पी कर देखना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैंने पी के देखी थी तभी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, बहुत अच्छी चाय थी। हेलो तो अभी क्या है कि मैं हार्ट रूम जा रहा हूँ, और जो मैं आपको चाय वाला बता रहा था, चाय लॉन्चर नाम है उनका, और इसमें पता क्या है, उनका खर्चा है करीब 50,000 का
और अभी क्या है, पहला दिन था आज उनका, और मैंने देखा तो मैं सोचा यार चलो कवर करते हैं, तो पहला दिन था उनका। तो इसके अलावा यूँ है कि उन्होंने ना मेरे को बताया कि उनका खर्चा आया था टोटल 50,000 का, और अभी वो कर ही रहे हैं अर्न वगैरह। तो आज के व्लॉग में जैसे आपने देखा कि उन भैया ने कैसे 50,000 में अपना बिजनेस शुरू किया, और इससे पता है अपने को क्या सीखने को मिलता है, अपने को ये सीखने को मिलता है कि अगर आपको बिजनेस शुरू करना है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 4-5 लाख रुपये हो, ठीक है, आप 50,000 से भी शुरू कर सकते हो। आप भैया ने वहाँ परमिशन लेके और GJU के पास वहाँ परमिशन ले रखी है, और भैया वहीं पे अपने चाय की स्टॉल लगाते हैं, और वहाँ पे उनकी चाय भी बहुत अच्छी है, 10-10 रुपये की चाय देते हैं, और बहुत ही टेस्टी थी, मसाला टी पी थी मैंने। और क्या था कि वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ और भी भीड़ लग गई थी, तो मेरे को वो चीज़ देख के अच्छा लगा कि यार हाँ, लोगों का क्रेज़ अभी भी ख़त्म हुआ नहीं चाय का, और यही चीज़ बहुत अच्छी है। तो अगर मान लो आपको कोई भी बिज़नेस शुरू करना है, तो ज़रूरी नहीं है यार कि आप ज़्यादा खर्चा करो, ठीक है। और आज के टाइम में ना लोग क्या करते हैं कि जिनके पास पैसा होता है ना, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, मतलब ज़्यादातर लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, वो हर एक पैसा सोच समझ के यूज़ करते हैं, और जो यार जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, जो अमीर है, उनको तो यार वो क्या है कि कुछ भी खरीद सकते हैं, बट जो मिडिल क्लास फैमिली है या मिडिल क्लास से नीचे हैं, वो यार एक रुपया भी है ना सोच समझ के खर्च करते हैं। तो भैया ने जैसे 50,000 का बिज़नेस शुरू किया, तो वो ये कॉन्सेप्ट आजकल ना चल रहा है, बहुत चल रहा है, लोग दुकानों पे जाने की बजाय ऐसे ही बाहर शुरू करते हैं, और यही कॉन्सेप्ट बहुत ही बेटर लगा मेरे को, क्योंकि आप एक बार बाहर शुरू करो, चल जाता है तो ठीक। अब मान लो भैया का अगर नुकसान भी होता है, तब भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा 50,000 का, ठीक है। बाकी मेरी तो यही दुआएं हैं कि यार सभी कामयाब हो, सभी के सभी कामयाब हो, चाहे वो गुब्बारे बेचने वाला हो, या वो चाय बेचने वाला हो, या कोई बहुत बड़ी कंपनी का हो, सभी सक्सेस हो, मैं यही चाहता हूँ। मुझे बिज़नेस से रिलेटेड बहुत कुछ पता है, और मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना, और आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।